वेलकम है आपका माय यूट्यूब चैनल DS पांचवेला में। दोस्तों लेकर के आज के इस वीडियो में आपके लिए दिखाने जा रहा हूँ दिल्ली का बिहारी कॉलोनी। और बिहारी कॉलोनी में हमारी सिस्टर रहती है, वहाँ पर उन्होंने रूम लिया है किराए का, कैर में महीने लिया है और कितना बड़ा है और वहाँ का कैसा रहन सहन है दिल्ली के अंदर, ये सब कुछ आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से दिखाने जा रहे हैं। और हमने दिल्ली की मीना मार्केट से शॉपिंग की है और आपको वो भी दिखाने जा रहे हैं, हमने क्या क्या शॉपिंग की, क्या क्या खरीदा है, सब कुछ आपको अच्छे से इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ। दोस्तों क्या भाई क्या रूम में कितना किराया जाता है, बिजली का बिल और पानी का बिल क्या क्या इसमें मिलने वाला होता है, बिहारी कॉलोनी का वीडियो आपको देखना है तो हमारा इसी चैनल पर एक वीडियो पहले के ही अपलोड है, वो भी जाकर देख सकते हैं। और आपको अच्छे से इस वीडियो को देखना है तो उसके बाद में कमेंट करना है, वीडियो को लाइक करना है, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करना यार बिल्कुल फ्री है, आप हमारे चैनल को बाद में ढूंढोगे आपको हमारा चैनल नहीं मिलेगा, इसलिए आपको मैं सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहा हूँ, जल्दी से कीजिए। आपने सब्सक्राइब कर रखा है पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, ऊपर वाला आपकी मनोकामना पूर्ण करे। चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर। नमस्ते ये देखिए भाई हमारे छोटे छोटे बच्चे, ये नमस्ते, ये हमारी रोली है, ये हमारा चीकू है और ये हमारा आयरन, आयरन है देखो। और ये बच्चों के खिलौना, क्या क्या खिलौने बच्चे आप पे दिखाइए, देखो ये बच्चे। और हमने क्या क्या खरीदा दिल्ली से दिखाओ, मीना बाजार से कितने का है ये, 200 रुपए का जी पर्स। और ये बड़ा वाला पर्स कितने का है, 350 में, लेदर का है ना, बढ़िया ये तो भरा हुआ है, इसके अंदर क्या आया निकाल के दिखाओ, 350 रुपए में खाली है। और ये वाला बैग, छोटा वाला बैग बेबी का, हमारी का, ये 250 रुपए का, झूठ मत बोलो, ईमानदारी बताओ, 100 रुपए का झूठ नहीं बोलना हमारी वीडियो में। और ओ ये कौन कौन की है ये फ्रॉक, चित्रा बाबी की, हमारी चित्रा बीबी दीदी, इधर देखो अच्छी है ये फ्रॉक, बढ़िया अच्छी है ना। और क्या खरीदा तुमने और दिखाओ, ये क्या रुपए का है, 350 का, 650, क्या क्या इसके साथ दुपट्टा, अच्छा अच्छा दुपट्टा दिखाओ इसका कैसा है, हाँ देखो बच्चे बड़े खुश हैं। और ये देखिए बेटा सूट ना करते फालतू का, ये देखिए भाई 650 रुपए के सूट के अंदर ये दुपट्टा मिला है, बहुत ही बढ़िया। और दूसरा वाला सूट कौन सा है, ये हमने मीना मार्केट से शॉपिंग की है। और ये देखिए इसका दुपट्टा, ये दूसरे वाले का है, ये कितने का खरीदा, ये 750 रुपए का, इसका सूट दिखाओ, और देखिए। और अभी आपको भैया बहुत कुछ दिखाएंगे इस वीडियो में, वीडियो पूरा देखना जरा सा मिस नहीं करना। और ये सूट देखिए भाई, बेहतरीन डिजाइन और बढ़िया कपड़ा है, बच्चे उदमबाजी मत करो। और ये क्या है, ये दो सूट खरीदे हमने, एक 650 रुपए का और एक 700 रुपए का, बैग लाए तीन, तीन बैग, तीन, एक छोटा बैग ना। तो और बच्चे आपके खिलौने कौन कौन से खिलौने दिखाओ, क्या क्या खिलौने आपके, तो ये देखो भैया दिल्ली बिहारी कॉलोनी के अंदर हमारा रूम है ये। और रूम का साइज की बात करूँ तो मेरे हिसाब से ये होगा 9x12 का रूम है ये। और इसके अंदर हमें क्या क्या मिलने वाला है देखिए, किचन अटैच है इसके अंदर, और ये अलमारी एक, और इसके अंदर ये हमें पूजा की अलमारी अपनी तरफ से लगाई हुई है, और ये टाँड मिली है, होम थिएटर सिस्टम अपनी तरफ से लगाया है जी, सीलिंग फैन अपनी तरफ से लगाया है, लाइटिंग की फुल व्यवस्था मिली है। और ये भी बताने वाले हैं भाई ये कितने का मिला है, और ये यहाँ पर
कूलर लगाया रखा है और यहाँ का हम आगे को लेके चलते हैं। अरे रे 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 भाई, इसका दरवाजा छोटा है ये कूलर में, देख इतनी सी जगह से निकल के आना पड़ा है मुझे। और ये वॉशिंग मशीन यहाँ फिट कर रखी है, और ये हमारा लेटरिन बाथरूम दोनों अटैच। यह छोटा सा वाइब्रेशन लगा रखा है, ऊपर से हवा लेने के लिए थोड़ा सा खुला हुआ दे दिया गया है, मैंने भी नहीं देखा था आपको दिखा दिया। और ये हम ये देखिए तीसरे फ्लोर पर है ये, और इसका चार्ज पूछेंगे अपनी सिस्टर जी से। क्या रुपये महीने का रूम है ये? 5,000। अच्छा, बिजली का बिल सब इसी में 5,000 में? तो भैया 5,000 में हमको बिजली का मिला, और 5,000 में ये बिहारी कॉलोनी में इस तरह का रूम आपको मिल सकता है। आपकी पहचान है यहाँ पर, तो आपका कोई काम धंधा लगा हुआ है तो आप दिल्ली में आके रह सकते हैं। बिहारी कॉलोनी के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो एक वीडियो है, और हम आपको ऊपर से छत चढ़ करके छत पे जाएंगे और आपको पूरा बिहारी कॉलोनी दिखाने की कोशिश करेंगे। ऊपर सबसे फर्स्ट फ्लोर पर जाएंगे, चलते हैं। और इन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से घर की व्यवस्था कर रखी है, इनको टीवी लगाने की जगह नहीं थी, कहीं तार पे फिट कर रखा है, होम थिएटर भी ऊपर लगा रखा है, और बाकी सब व्यवस्था ठीक है। और एक सिंगल बेड, खाना पीना यहाँ बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ऊपर चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पर आ गया हूँ दोस्तों, जहाँ ये ट्रेन जाती हुई दिख रही है आपको। यहाँ पर दिल्ली के 7 रे के बराबर में है ये दिल्ली का बिहारी कॉलोनी, और मैं दिल्ली सादरा रेलवे स्टेशन के बारे में पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपको ट्रेन बसों रोडवेज वगैरह की जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल पर ये सब वीडियो आपको मिल जाएंगे। और बिहारी कॉलोनी की बहुत ही ज़्यादा घनी आबादी है, जहाँ पर आपको कमरे किराए पे मिल जाएंगे। अगर आपकी यहाँ जान पहचान है तो अपनी आईडी साथ मत लेकर के आएँ। अगर यहाँ काम धंधा करते हैं तो आपको 5,000 में रूम मिल सकता है, और आपको सारी की सारी फुल व्यवस्थाएं मिलेंगी, पानी लाइट, और यहाँ लाइट भाई 24 घंटा रहती है, लाइट कभी जाती नहीं है। और यहाँ रेलवे स्टेशन के पास में एक मेट्रो स्टेशन भी है, उसके बारे में मैंने वीडियो बना करके आपको दिखाया। ये देख रहे हैं दिल्ली का बिहारी कॉलोनी है, बहुत ही घना जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ फैक्ट्री एरिया, काम धंधा बहुत है, और यहाँ आप ई रिक्शा चला कर टीवी चला करके अपना घर परिवार चला सकते हैं। तो मैं आया हूँ अपनी सिस्टर के यहाँ, और यहाँ पर मैंने सोचा आपके लिए भाई ये वीडियो बना दूँ, ये थोड़ा सा जानकारी आपको भी मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी दूर दूर से लोग दिल्ली में आकर रह रहे हैं, और वो जो चाहते हैं कि हमें दिल्ली में रूम लेना है, तो इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। दोस्तों आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, आप हमसे कमेंट बॉक्स में बातें कर सकते हैं। ये हमारी छोटी बेबी है, और हम यहाँ पे हम कल निकल जाएंगे, और भी दादरी के रेलवे स्टेशन के सभी तरह के वीडियो आते रहेंगे। ये 4 वीडियो देख रहे हैं आप, इनमें से कोई सा वीडियो प्ले करें और देखें, आनंद लें। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ में।